क्या हो जब आप जंगल में अकेले रात के समय कहीं जा रहे हो और आपको एक ऐसा जीव दिखाई दे जिसका मुंह घोड़े जैसा है और उसकी गर्दन एकता कपूर की सीरियल्स की तरह लंबी है, तब आप क्या करोगे? अपनी जान बचाकर भागोगे। और सीरियसली सब लोग यही गलती करते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ लॉन्ग हॉर्स मतलब लंबे घोड़े की। जरा इसके चेहरे को ध्यान से देखो, यहाँ पर नीचे कोई भी जबड़ा नहीं है। इसका मतलब ना ही ये कुछ चबा सकता है और ना ही आपको किसी तरह का कोई नुकसान पहुँचा सकता है। ऐसा कहा जाता है कि ये जीव प्राचीन काल से हमारे बीच मौजूद है, मतलब ये एक एंशियंट क्रीचर है। बहुत से लोग तो ये तक कहते हैं कि ये एक रक्षक है, ये लोगों को मुसीबत से बचाने का काम करता है। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर लॉन्ग हॉर्स ये समाज सेवा क्यों करता है, आखिर क्यों वो मुसीबत आने से पहले लोगों को वार्न करता है, और आखिर कौन है लॉन्ग हॉर्स का सबसे बड़ा दुश्मन। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे लॉन्ग हॉर्स के बारे में वो सारी बातें जो आप जानना चाहते हो। तो इस वीडियो को स्किप मत करना, पूरा देखना, और ये भी समझ लो कि आ गया उसके ऊपर जाने का मुहूर्त, आ गया उसके ऊपर जाने का मुहूर्त, जो देख के भागा लॉन्ग हॉर्स की सूरत। यार बस वीडियो को और लॉन्ग नहीं खींचते हैं, शुरू कर देते हैं आज का फाड़ू वीडियो। अगस्त 2018 एक फोटो इंटरनेट पर वायरल हुई। ये फोटो ट्रेवर हेंडरसन नाम के एक डिजिटल आर्टिस्ट ने अपने सोशल मीडिया पर डाली थी और इस फोटो के कैप्शन में उन्होंने लिखा था कि आज रात फिर वही मुझे डरावना सपना आया और मुझे फिर से ये सब दिखा। उन्हें जो भी सपने में दिखाई दिया उन्होंने उसको हूबहू अपने डिजिटल आर्ट में दिखाया और ये एक डरावना क्रीचर था जिसको नाम दिया गया लॉन्ग हॉर्स। जब इसे ध्यान से देखते हैं तो इसके ऊपर कोई खाल नहीं है, न ही इसका कोई शरीर है, इसकी बस एक लंबी सी गर्दन है और चेहरे की जगह है घोड़े जैसा दिखने वाला एक कंकाल। कहा जाता है कि ये जब चलता है तो इसके हड्डियों के चटकने की आवाज आती है। सीरियसली हड्डियों के चटकने की आवाज तो तब भी आती है जब मैं चलता हूँ, इसलिए मैं भी सोच रहा हूँ कि थोड़ा जिम में जाना शुरू कर दूँ। खैर मुद्दे पर आते हैं, अगले ही महीने उन्होंने इसी क्रिएचर की एक और डरावनी सी फोटो अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट की जहाँ पर इसका एक विशाल रूप दिखाया गया है। माना जाता है कि ये क्रिएचर एक एंशियंट आर्ट से इंस्पायर्ड है। ये एंशियंट कार्विंग कुछ इस तरह से दिखाई देती थी और बहुत से लोग इस बात पर विश्वास रखते हैं कि लॉन्ग हॉर्स कोई नया डिजिटल आर्ट नहीं बल्कि ये प्राचीन काल से ही हमारे बीच मौजूद है। कुछ लोग इसकी तुलना चाइना के ड्रैगन से भी करते हैं और कहा जाता है कि पुराने जमाने में आदिवासी इसकी पूजा किया करते थे क्योंकि ये उनके लिए एक रक्षक और एक देवता जैसा था। ये लोगों को मुसीबत आने से पहले आगाह करता है, ये कोई भी दुर्घटना होने से पहले चेतावनी देता है। इसका मतलब अगर आपको कहीं सुनसान जगह पर या कहीं पर भी लॉन्ग हॉर्स दिखाई दे तो उस जगह से तुरंत निकल जाइए क्योंकि लॉन्ग हॉर्स आपको वार्निंग दे रहा है कि इस जगह पर आपके साथ कुछ गड़बड़ हो सकती है। लेकिन लॉन्ग हॉर्स की ये भोली सी सूरत आंखों में मस्ती, आए हाय, नहीं मजाक कर रहा था। लॉन्ग हॉर्स की इस डरावनी सूरत को देखकर लोग वार्निंग तो दूर, लॉन्ग हॉर्स को देखकर ही हार्ट अटैक से मर जाते हैं। तो अब आप ये तो जान गए हैं कि लॉन्ग हॉर्स कौन था, आप जानेंगे कि आखिर क्यों लॉन्ग हॉर्स लोगों की मदद करता है, क्योंकि उसे मदद के बदले में कोई डॉलर्स तो मिलते नहीं है। एंड दिस वीडियो इज नॉट स्पॉन्सर्ड बाय दिस डॉलर की चड्डी। लॉन्ग हॉर्स के पास एक खास शक्ति है कि वो भविष्य में आने वाली मुसीबतों को देख सकता है, उन्हें महसूस कर सकता है। वो किसी भी जगह पर अपनी मर्जी से ट्रांसपोर्ट हो सकता है। ट्रांसपोर्ट मतलब ट्रक में बैठकर नहीं, मतलब जादुई शक्तियों से एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है, जस्ट लाइक डॉक्टर स्ट्रेंज। इंटरनेट पर बहुत से लोगों ने अपनी आंखों से लॉन्ग हॉर्स को देखने का दावा किया है, जिनमें से अधिकतर लोग आज जिंदा नहीं बचे। लेकिन कुछ लोग इसे सिर्फ एक आर्ट मानते हैं। अगर आपके आसपास कोई ऐसा खतरा है जो आपकी जान लेने वाला है तो ये आपको अपनी शक्ल दिखा देता है, क्योंकि इसका जबड़ा नहीं है तो ये कुछ बोल नहीं सकता, तो ये अपनी भोली सी सूरत दिखाकर आपको वहाँ से भगाने की कोशिश करता है। प्राचीन काल से लोग इसे आकाश सर्प के नाम से जानते थे और इसे लोग देवता मानते थे क्योंकि इसका मेन काम लोगों की हेल्प करना है। लेकिन आज के समय में इसको एक मॉन्स्टर समझा जाता है। बहुत से प्राचीन ग्रंथों में एक ऐसे विशाल सांप का जिक्र है जिसका चेहरा सांप जैसा नहीं था। खैर आपको क्या लगता है, आप लॉन्ग हॉर्स को एक मॉन्स्टर मानते हो या अपना फ्रेंड? फ्रेंड तो ज्यादा हो जाएगा। बेसिकली आप लॉन्ग हॉर्स को अच्छा समझते हो या बुरा, मुझे कमेंट करके जरूर बताना।
अब जानेंगे हम लॉन्ग हॉर्स के सबसे बड़े दुश्मन के बारे में, लेकिन उससे पहले समझते हैं कि ये आखिर है कितना लंबा। तो इसकी लंबाई या इसका छोर, आखिरी छोर किसी ने नहीं देखा, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ये पोर्टल में से निकलता है और शायद इसकी लंबाई अनंत हो सकती है। अनंत आई मीन टू से इनफाइनाइट। या ये भी हो सकता है कि ये अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपनी लेंथ को कम या ज्यादा कर सकता हो। ये कहां से आता है, कहां जाता है और कहां पर रहता है कोई नहीं जानता, लेकिन बहुत से लोगों ने इसके देखे जाने के सबूत पेश किए हैं। बहुत से लोगों ने दावे किए हैं कि उन्होंने लॉन्ग हॉर्स को देखा और उसे अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया, जिनमें से मोस्टली वीडियोस फेक होते हैं। अब जरा इस वीडियो को देखकर बताइए कि आपके इस बारे में क्या विचार है, क्या आपको लगता है कि ये रियल है। ऐसे ढेर सारे वीडियो आपको YouTube और इंटरनेट पर मिल जाएंगे, बट पर्सनली बताऊं तो मुझे ये सारे वीडियोस बिल्कुल नकली लगते हैं। इनको केवल एंटरटेनमेंट के लिए बनाया जाता है। तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको भी ये फेक लग रहे हैं इंस्टाग्राम रीलर्स की रिच लाइफ की तरह। एंड दिस वीडियो इज ऑल्सो नॉट स्पॉन्सर्ड बाय इंस्टाग्राम रील्स। भाई इतने बुरे दिन भी नहीं आए। चलो जब बात बुरी चीजों की चल रही है, तो अब बात करते हैं कि आखिर सबसे बुरा या बड़ा दुश्मन कौन है लॉन्ग हॉर्स का, और उसका नाम है योर मोस्ट फेवरेट SCP साइरन हेड। वैसे तो कौन है जो साइरन हेड को नहीं जानता, लेकिन अगर तुम नहीं जानते तो मैंने पूरा डिटेल्ड वीडियो बना रखा है यहाँ पर आई बटन में या डिस्क्रिप्शन में, आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। ये जंगलों में भटकता है, ये एक खूंखार SCP है और ये काम करता है लोगों को खाने का, मारने का। इसके सायरन जैसे हेड से ये तरह तरह की आवाजें निकालकर लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करता है और उसके बाद उनका सायरन बंद कर देता है। तो अगर कभी साइरन हेड या लॉन्ग हॉर्स में लड़ाई हुई, तो मुझे तो ऐसा लगता है कि लॉन्ग हॉर्स साइरन हेड का काम लगा देगा, क्योंकि साइरन हेड केवल एक मॉन्स्टर, एक SCP है, जबकि लॉन्ग हॉर्स के पास बहुत सारी पावर्स हैं। तो यार लॉन्ग हॉर्स को प्यार से कहते हैं लंबा घोड़ा, तुम भी प्यार दिखाओ थोड़ा थोड़ा, सब्सक्राइब के बटन पर मार दो हथौड़ा। तो यार बस वीडियो कहीं पर खत्म करते हैं। अच्छी लगी वीडियो तो लाइक कर देना, नहीं लगी हो, अच्छी मजा नहीं आया तो सब्सक्राइब कर देना, तुम्हें लॉन्ग हॉर्स की लंबी गर्दन की तरह लंबी उम्र मिलेगी। मिलते हैं अगले फाड़ू वीडियो में। और हाँ, अगर आप अभी तक ये वीडियो देख रहे हैं तो भैया अपना माइंड स्ट्राइक चैनल याद है ना, भूल गए कि सब्सक्राइब ही नहीं किया, तो उस पर फिर से वीडियोस आने लगे हैं, अपनी माइंड स्ट्राइकर वापस आ गई है। तो उस वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दी, उसे भी देखना, मजा आएगा, मस्त चैलेंज किया है हम दोनों ने। और अगर तो माइंड स्ट्राइक का नाम पहली बार सुन रहे हो तो जल्दी से सब्सक्राइब मार देना। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, और जंगल में कभी अकेले मत जाना।